लोग तुमको रोता हुआ देखने नहीं चाह रहे थे भाई। तो मैं सभी हंस रहे थे, मैं क्या हंसाना तो था ही। तो मुझे ये बता देना कि आप लोगों को क्या देखना है व्लॉग्स में, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, भर दो कमेंट सेक्शन को कि क्या देखना चाहते हो आप लोग व्लॉग्स में, मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अभिनव चिराग रावत। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली घर, शादी में। हाँ ला रहा हूँ। शादी में हम लोग क्यों नहीं गए उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि नाना जी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और मैं उस टाइम पे दशहरे के लिए जा रहा था, तो मैं और लेट हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी तो हम लोग नहीं जा पाए। फिर आज सुबह हम लोग घर आ गए क्योंकि मम्मी अभी दोबारा दो तीन दिन बाद दोबारा जाएंगे नानी जी के यहाँ। तो भाई फिलहाल हमारी क्यारी जो बन चुकी थी उसके लिए हम लोग नया पाइप खरीद के लाए, एक तो ये, और उसको जोड़ दिया लंबा वाला पाइप ताकि ये हम लोग सब जगह सारी क्यारियों में डाल सकें, ठीक है ना। और आज फाइनली लग जाएंगे पर्दे, सोफे भी लग चुके हैं, आपको वो भी दिखाना है, और सोफे और लगेंगे आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने जो इसे आप लोगों ने बोला था कि ये इस कलर के पर्दे लाओ, वही आ रहे हैं। फिलहाल पहले अंडर बेड ले आते हैं। तो वही ये देखो हमारे जो सोफे हैं वो हो चुके हैं तैयार। ये ऐसे हुए हैं, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। एक्चुअली सभी ऐसे होंगे, ये भी ऐसे होगा और जो दो वहाँ रखे वो भी ऐसे होंगे। बट आज पर्दे आ जाएंगे तो आप लोगों को पर्दे दिखाते हैं, लग भी जाएंगे शायद क्योंकि कारपेंटर लोगों ने ऑलरेडी आना है। पर्दे का सीन ये है कि पर्दे वाले जो भैया बना रहे हैं उन्होंने सिर्फ बना के देने, पर्दे लगेंगे कारपेंटर, मतलब पर्दे जो लगाएंगे वो कारपेंटर ही लगाएंगे, वरना हमारे बस की ना उनके बस। ओ मम्मी, आज सुबह आपकी बेटी रोने लग गई थी, आपको देख के क्या बोलना है आपका, उसमें आपकी क्या टिप्पणी है उसमें। बेटियां ऐसी होती है। बेटा भी रोता है, बेटा दिखाता नहीं है भाई, सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है ना, क्योंकि बेटी ने दिखाया तो फिर माँ आपको दोनों को बहुत बुरा लगेगा। बेटी तो रोती रहती है ना घर बस। पर सब लोग ब्लॉग में बोल रहे जानू को देख के रोने में हमको भी रोना आ गया। आपको दिखा है ना वहाँ पे रोना, आपको तो आ तो ऐसे भी रोती मैं कि जब देखो 7 साल हो गए, 5 साल तो हो गए ना, 5 साल हो जाएंगे, 4 साल हो गए। और लोग पूछ रहे कि आप लोग शादी में क्यों नहीं गए भाई। अरे पापा नाना जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी क्या मतलब बहुत ठीक नहीं है, तो कुछ नहीं बोल सकते, तो इसलिए हम गए ही नहीं, इसलिए शादी का दूसरा वाला ब्लॉग जो है वो नहीं आया। बट कोई नहीं, हमारे भाई की शादी है दोबारा, अभी तो उससे पहले दिवाली है, उसके बाद शादी है भैया की, शादी यही है नहीं है। और हमारे घर में उस दिन उस टाइम पे ऐसा होगा कि हाँ, और हमारे घर में होगा बहुत सारे मेहमान, वो तो है। पर भी हमारे घर में उस होने वाले मेला 28 तारीख से लेकर दिवाली तक। आप उससे टेंशन मत लो, मैं आपके साथ दूंगा जब तक मैं रहा है, फिर मैं चला गया तो भाग लेंगे, फिर आपको खुद भागना पड़ेगा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसे। मैं कोई नहीं भाई, जब कोई घर में पार्टी होगी दिवाली की पार्टी होती है वो हर साल होती है, तो इस बार हमारे घर पर होगी दिवाली की पार्टी, तो होगी हमारे घर पर। और ये मेरी बॉय जानबूझ के बोतलें खाली छोड़ी ताकि मैं इन बोतलों को भरूं, पर मैं भी हूँ ढीठ। नहीं नहीं पानी की बोतलें भर देते हैं 2-3 भाई। लोग तुमको रोता हुआ देखने नहीं चाह रहे थे भाई। बहुत आवाज हो गई थी, तो मैं सभी हंस रहे थे, मैं क्या हंसाना तो था ही। और पहुंच गए तुम फाइनली? हाँ पहुंच गई, पहुंच। क्या ठंडा हो रहा है यहाँ, तो बहुत ठंड हो रही है यार। हाँ ठंडा तो हो रहा है, क्या ठंडा हो रहा है वहाँ का क्या मतलब, 10 दिन पहले आए थे क्या, आज सुबह ही गए हो, पता नहीं क्या ठंडा हो रहा है, 10 दिन पहले आए थे यहाँ। तो रोई के ऊपर आपकी फसल नहीं देख रही, तो आलू और प्याज लेके आए, कितने दिन लेके आए, आलू प्याज खाए, आलू प्याज, अरे प्याज और टमाटर। हाँ तो मेरे को ऐसा मुझे लगा मैं फिर गाली खाऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बेसिकली शादी में क्यों नहीं गए, बानों में क्यों नहीं गए। पहली बात, बानों में हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि नाना जी की तबीयत सुबह से खराब हो गई थी। आप लोगों को भी पता है कि नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मतलब डॉक्टर ने भी बोल दिया है, तो आप लोगों को भी पता ही है, बिकॉज मैंने आप लोगों से कभी कुछ छुपाया ही नहीं। मैं मेरा ये सिंपल सा फंडा है कि मैं जो हूँ, मतलब मैं अगर किसी तकलीफ में हूँ तो मुझे आप लोगों से शेयर करना है, मेरे कुछ ही दोस्त हैं जिनसे मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों से शेयर करो जो तुम जो उस चीज़ को समझे, बिकॉज हर कोई ना कोई है जो मतलब कुछ लोग होते हैं जो मजाक उड़ा देते हैं, मतलब सामने तो बोलेंगे कि ठीक है बट पीछे बहुत हंसते हैं भाई वो, तो वो बात है। हाँ तो उस दिन हुआ ये था कि नाना जी की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो नाना जी चाहते थे कि हम लोग वहीं बैठे रहे, तो हम लोग सिर्फ वहीं थे, हम लोगों को लगा कि शाम को ठीक हो जाएगा। तो जब हम लोग बानों में नहीं गए तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को रावण दिखा के लाता हूँ, कि देहरादून में वैसे बहुत अच्छा रावण हो रखा था,
मैं जैसी गया तो मैं पहुंच ही नहीं पाया, वो आप लोगों ने कल के ब्लॉग पे देख ही लिया, तो वहां बहुत दिक्कत हो गई। फिर जब मैं घर आया तो मुझे घर आता था 8:30 हो गए, तब तक मुझे पता चला कि नाना जी की तबीयत और खराब हो गई है और अब नहीं जा रहे हैं। तो फिर हम लोग जो है गए ही नहीं, तो फिर हम लोग घर पर ही थे नाना जी के साथ। तो ये एक पहली बार शादी में ऐसा हुआ है कि मेरे कजन की शादी थी और हम लोग नहीं जा पाए बिकॉज नाना जी की तबीयत ठीक नहीं थी। बट ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये फंस गया सी है, मेरा कभी थोड़ा थोड़ा ऐसा फंबल हो जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ कि नहीं जा पाए, नहीं देखा पाए आप लोगों को शादी। कोई बात नहीं, मेरे खुद की कजन की शादी, खुद के भाई की शादी यही मेरे घर के बगल में ही है, तो वो नवंबर में है, होपफुली तब तक मैं घर से चला जाऊं, मेरा मतलब मोटिव यही है। बट अगर रहा तो दिखाऊंगा, और मैं नहीं रहा तो जान भी तो होगी, तो आप लोगों को व्लॉग आएगा ही आएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 28 तारीख से हमारे यहाँ क्या फंक्शन है। तो हुआ ये है कि पहले तो 1 तारीख को करवा चौथ था, तो उसकी शायद पार्टी हमारे घर पर ही, पार्टी मतलब जो भी पूजा वूजा होती है वो हमारे घर पर ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो 28 तारीख से फंक्शन है वो ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है, पापा का एक हमारे यहाँ मतलब एक चीज होती है कि 28 तारीख से लेकर मतलब दिवाली से 10-15 दिन पहले पार्टियां होती है दूसरा हर किसी के घर पे। तो 28 तारीख से अब हमारा घर बनाया नया, तो सबने ये बोला है कि पहली पार्टी हमारे घर पर होगी, तो आई थिंक ज्यादातर पार्टियां जो होगी वो हमारे घर पर ही होगी। कहाँ पे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये दिख रहा है आपको ये वाला हॉल, तो ज्यादातर पार्टियां जो शायद मुझे लगता है वो यहीं पे होंगी शाम को या फिर अंदर हॉल पे। तो होता ऐसा है कि पार्टियां होती है, यार ये दीमक लग गया है क्या, ये क्या है ये? अच्छा नहीं दीमक नहीं है यार, दीमक नहीं है, धूल है। आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं ऊपर से तो देखो ऐसे दिखती है, हमारा क्यारी हमारी ऐसे दिखती है, पानी हमने आज डाल दिया था। हाँ जी, तो होता ये है कि सब लोगों के घर में पार्टियां होती हैं, तो पापा के जितने भी दोस्त हैं उनके घर पे होती है पार्टी। तो हमारे घर पे शायद शुरुआत में पार्टी है, ज्यादातर पार्टी जो होगी वो हमारे घर पर ही होगी, तो वो आप लोगों को उसका व्लॉग्स आएंगे। यार मुझे ना एक्चुअली क्या होता है कभी कभी कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे शादियां खत्म हो गई, जो फंक्शन होने थे वो खत्म हो गए, तो अब आप लोगों को क्या दिखाऊं या आप लोगों को क्या देखना पसंद करोगे। तो जो भी आप लोगों को देखना है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं वो दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि मैं अब थोड़ा फ्री हूं। ऑल दो मेरे कुछ काम चल रहे हैं, होपफुली वो काम हो जाए तो आप लोगों को उसके बारे में अपडेट आ जाएगा, बट हाँ ये चीज तो है। बाकी यार जो रिस्पांस आप लोगों ने हिमाचल के व्लॉग्स पर, हिमाचल के लोगों ने जो रिस्पांस दिया है ना भाई, मैं फैन हो गया उनका, क्या अल्टीमेट लोग हैं। मतलब कल्चर अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा भाषा थोड़ी थोड़ी अलग है, बट सब साथ में रहते हैं भाई, उत्तराखंड हो गया चाहे हिमाचल हो गया चाहे कुमाऊं हो गया, सब साथ में रहते हैं, मजा आता है, यही चाहिए बस। साथ में रखो, साथ में रखना सीखो, साथ में चलना सीखो, सब सही होगा। होता है कभी कभी ना कि कुछ लोग होते हैं जो पहले तो जब वो कुछ नहीं होते तब वो हम लोगों के साथ रहते हैं, मतलब तब वो चाहते हैं कि हम सब उनका सपोर्ट करें, पर जब वो कुछ बन जाते हैं तो फिर वो हम जैसे लोगों को छोड़ देते हैं जो बनना चाहते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, अगर तुम लोग किसी के साथ पहले से हो तो उसके साथ हमेशा जिंदगी भर रहो, तब चाहे कुछ भी हो जाए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, महादेव है वो देखते हैं, सब कुछ हो जाएगा भाई, सबको सबका फल मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। मुझे अगर ये फल मिल रहा है जो मेरे साथ सिचुएशन चल रही है अभी, मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं पहले गलत रहा हूँ, तो मेरे साथ वो चीज़ हुई है और मैं सीखा हूँ उस चीज़ से। तो इन 5-6 महीनों में जो मेरे साथ हुआ है जॉब के रिगार्डिंग मेजर, करियर के रिगार्डिंग मेजर, और जो चीज़ मैंने सीखी है कि ऐसे बुरे वक्त पे तुम्हारी फैमिली के अलावा तुम्हारे साथ और कोई नहीं होता, मैं तुम लोगों को बात ये लिख के दे रहा हूँ, ये बात फैक्ट है। तो और जो दिखावा करते हैं कि हम तेरे साथ हैं, वो दिखावा है, वो तुमको समझ में आ जाएगा कौन तुम्हारे साथ है कौन तुम्हारे साथ नहीं है, ये बात तो तय है। तो मुझे ये बता देना कि आप लोगों को क्या देखना है व्लॉग्स में, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, भर दो कमेंट सेक्शन को कि क्या देखना चाहते हो आप लोग व्लॉग्स में, मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पर्दे कहाँ हैं, आपने कहा था पर्दे दिखाओगे, आपने कहा था सोफे दिखाओगे, सोफे तो मैंने आपको दिखा दिए, बट पर्दे वालों का क्या है भाई सीन की पर्दे उन्होंने सिल दिए हैं, सारे पर्दे सिल चुके हैं, एक तो हमारे पर्दे भी 48 पर्दे हैं पूरे घर पे, तो उन्होंने सारे पर्दे सिल दिए हैं, पर्दे आ नहीं रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यार दिवाली दशहरा का टाइम चल रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ग्राहक आ रहे होंगे तो वो उनको भी देख रहे होंगे, बट उन्होंने बोला है कि वो आज पर्दे ले आएंगे, तो आपको आज मतलब जो व्लॉग शूट करूंगा आपको उसमें पर्दे दिखा दूंगा, बिकॉज मुझे आप लोगों का सजेशन चाहिए आपके, आप लोगों को पर्दे कैसे लग रहे हैं, पहले तो जब आएंगे तब दिखाऊंगा और जब लग जाएंगे तभी भी दिखाऊंगा। तो अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरे परिवार अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो, ये मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो जो कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज व्लॉग्स को देखते रहिए और पुराने व्लॉग भी देख सकते हैं आप, भर भर के हैं। अच्छी बात यह कि मैं कुछ 500 व्लॉग्स कवर करने वाला हूँ, तो भाई मेरे को बहुत खुशी है, 500वें व्लॉग पे एक अच्छा सा व्लॉग बनेगा, जैसे पहले भी बनता ही है बट और अच्छा बनाऊंगा, एक इमोशनल सा कुछ मैंने सोचा है वो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो और मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और
बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी हम लोग आए तो आप लोगों को पता चल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।